हेलो गाइस, अ वॉर्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में स्पेसिफिकली, क्या चेंजेस आप फील कर सकते हैं, आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है। सो इसके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। जितनी भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। जो भी लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी, आपको इस रीडिंग से कनेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कनेक्टेड नहीं होंगे इस रीडिंग से, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपकी तरफ में ना पहुँच पाएँ, जो कि सुनना आपके लिए ज़रूरी है। आपसे रीडिंग कनेक्ट हो पाए, आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए, रेजोनेट हो पाए, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एज एन एनर्जी एक्सचेंज। रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आप तक राइट मैसेजेस आ पाए, ठीक है। एंड जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपका आंसर होगा। अगर आप इस रीडिंग में आए हैं, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए कुछ बहुत बड़ा मैसेज आपको देना चाहती है, इसलिए पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा। देखूंगी मैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। क्या चल रहा है करंटली इन फ्यूचर की एनर्जी क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा, थैंक यू। ओके, कार्ड निकल कर गिर गया है, लेट अस सी। पेशेंस, फर्स्ट कार्ड इज पेशेंस। ओके, मैं आपको एक एक कार्ड एक्सप्लेन करूंगी। लेट मी जस्ट टेक आउट ऑल द कार्ड्स। एनलाइटनमेंट एंड देन वी हैव पावर। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में फ्रीडम का मैसेज है। सो गाइज, यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए निकल कर आया है, पेशेंस है, एनलाइटनमेंट है एंड पावर है। देखिए, एक चीज आपने समझ कर चलनी है यहाँ पर कि आपकी लव लाइफ के अंदर आपने डेफिनेटली, मैं मानती हूँ, आपने बहुत ही पेशेंस रखा है, ठीक है। आप बहुत बहुत समय आपने वेट किया है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे काफ़ी टाइम मांगा और आपने इस पर्सन को टाइम भी दिया है, ठीक है। आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए। पेशेंस थोड़ा सा और मांगा जा रहा है आपसे करंटली, ठीक है। थोड़ा सा और आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा वक्त और दे दो, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो पेंडिंग हैं, जो कि पूरी होनी जरूरी हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, अगर कोई सब्जी आप बना रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर सब्जी का कुकिंग टाइम सेम हो, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई बहुत जल्दी बन जाती है, किसी में थोड़ा वक्त लगता है पकने में, राइट। बट उसकी उतनी रिक्वायरमेंट है, उस सब्जी के हिसाब से उतनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अभी बोला जा रहा है आपके लिए थोड़ा सा और रुकना है, जब तक वो पकेगी नहीं ना आप खाएंगे तो आप अपनी तबीयत खराब करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर से आपको उसको पकाना पड़ेगा तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा नेचुरली, क्योंकि जब आप वो सब्जी आपने खा ली तो आप फिर से सब्जी बनाएंगे, पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। ऐसा करने से आप अपने पर्सन को भी वही एनर्जी दे रहे हो ताकि वो सोच पाए, समझ पाए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी एनलाइटनमेंट में आ रहे हैं, आपके पर्सन भी अवेकन हो रहे हैं, आपके पर्सन के ऊपर भी इस तरीके का कोई प्रेशर या सिचुएशन हो सकती है जिससे कि, कहते ना, जब हीरा आप जब सोना तपता है, जब हीरा जो है पूरे तरीके से हम उसके ऊपर काम करते हैं तभी उसको तराशा जाता है, वो ऐसे नहीं तराशा जाता। प्रेशर के बगैर जो है डायमंड आपके लिए एक पत्थर है और कुछ नहीं है। सो उसको डायमंड बनने के लिए प्रेशर से गुजरना पड़ता है। तो वही एनर्जी यहाँ पर है कि अभी उनके ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आकर आ उठी है, या आप नो कॉन्टैक्ट में हो, या आपने उनको बोला है कि जब तक तुम मेरे को कमिटमेंट नहीं दोगे मैं बात नहीं करूंगी, या फिर आप सेपरेशन में, जैसे भी जो भी सिचुएशन है, अभी वो किसी एनलाइटनमेंट से गुजर रहे हैं। पावर, ये चीज आपके रिश्ते को स्ट्रेंथ दे रही है, ये चीज करंटली आपके रिश्ते को स्ट्रेंथ दे रही है और आगे भी इसमें मुझे स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिख रही है। फ्रीडम का मैसेज भी आया है। सो आप ये सारे जो है ना ब्लॉकेजेस हैं, इनसे फ्री होते हुए दिख रहे हो। फ्रीडम का मैसेज बहुत खूबसूरत है। एक एक बर्ड जो केज्ड होती है, सोचो वो कैसी होती होगी ना, उसमें कॉन्फिडेंस कितना लो होता होगा। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और दुनिया के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको आदत पड़ी है कि सामने वाला आके ही मुझे फीड करेगा,
वही मेरे लिए सब कुछ करेगा, तो वो इंडिपेंडेंस नहीं है। इंडिपेंडेंस नहीं है तो नेचुरली कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं खुद कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो वो एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, जब उसको हम छोड़ देते हैं, अनकेज कर देते हैं, तो वो जब अपने पंख फैला के उड़ती है तो कितना कॉन्फिडेंट फील करती होगी कि मैं तो सबसे ऊपर हूँ, मैं उड़ पा रही हूँ, मैं फ्री हूँ। तो वही एनर्जी है यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बर्ड है, यहाँ पर भी बर्ड है। ये वाली बर्ड जो है वो पास्ट में जा रही है, और ये वाली बर्ड जो है ये फ्यूचर की एनर्जी है ना, ये फ्यूचर की एनर्जी है इस बर्ड की। आप देखो दोनों बर्ड्स को, ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ये पास्ट में जा रही है, फ्यूचर में जा रही है। तो कुछ ऐसे अकाउंट्स आपके पास्ट में हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सब्र करने के लिए और कहा जा रहा है, बट एट द एंड फ्यूचर में आपके लिए फ्रीडम है। आप जो सोचोगे फ्रीली उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, इजीली उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए देखूंगी टैरो कार्ड से कि आपको आपकी पर्सन की एनर्जीज अभी करंटली क्या है, आपकी लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर की एनर्जी क्या है, ठीक है। करंटली क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, करंटली क्या चल रहा है। वाओ, एम्प्रेस, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पर्सन अभी डेफिनेटली मुझे किसी तरीके के बर्डन में तो दिख ही रहे हैं, ठीक है। वो लव लाइफ आपकी बहुत ही मुझे वरीसम दिख रही है और स्ट्रगल्स चल रहे हैं, ठीक है। उनके ऊपर ऐसा उनको लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ इसके लिए, ये जो डिजर्व करती है मैं उसको नहीं दे पा रहा हूँ। एम्प्रेस से हमारी एनर्जी शुरू हुई है, सो डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। आप चाहते हैं इनके साथ में एक स्टेबल कनेक्शन, और वो यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं। ये एक जो ये कार्ड है, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, कमिटमेंट का, कंपैटिबिलिटी का, सेंशुअल लव का, इमोशनल बैलेंस का, फ्रीडम का, अबंडेंस का, प्रोस्पेरिटी का, ठीक है। ये पर्सन आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपको आपका प्यार देना चाहते हैं, आपको इज्जत से वो चीजें सारी देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, बट अभी मुझे लग रहा है डिसीजन मेकिंग में ये पर्सन थोड़े से वीक है। तभी यहाँ पर मुझे इनलाइटनमेंट का मैसेज आया, जो ये बता रहा है कि बैलेंस, पेशेंस, अगेन यहाँ पर ये बैलेंसिंग की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी, दोनों यहाँ पर फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा और बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि अभी ना कभी वो सोचते हैं ये ऑप्शन, कभी सोचते हैं वो ऑप्शन, कभी सोचते हैं यहाँ पर, कभी सोचते हैं वहां पर, तो इसी वजह से ना ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और एट द एंड आप देख रहे हैं कितना सैड एनर्जी में ये पर्सन, कितना सैड है, बस काम में रहता है, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है कि कुछ तो होगा, कभी तो होगा, कुछ तो होगा। तो ऐसी एनर्जी में मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और इनको पता है कि इन्होंने खुद से ही ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप इनको बहुत पहले से ही कहते हो कि सोच लो, समझ लो, मत करो ऐसे, बट इस पर्सन ने शायद वो सारी चीजें इग्नोर करी हैं, अब ये खुद ही फेस कर रहे हैं वो सिचुएशन को। सो अभी ऐसा लग रहा है कि कोई दो ऑप्शंस हो सकते हैं जिसके बीच में पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, चाहे वो काम है या फैमिली इन्वॉल्व है जो शायद नहीं पसंद करती है इस कनेक्शन को, या नहीं चाहती आगे बढ़े, या कोई और थर्ड पार्टी है, बट कुछ तो ऐसा है। मुझे किसी किसी के लिए ना ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज सेंस हो रहा है कि इनसे कोई बड़ी फीमेल हो सकती हैं जो कि इनके साथ में कनेक्टेड हूँ, चाहे वो इनकी मदर हैं, सिस्टर हैं, या कोई इनकी बॉस हैं, कोई कोलीग हैं, इनके नेबरहुड में कोई है, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाऊंगी, बट यहाँ पर देखिए वर्ल्ड का मैसेज है। जब मैं कार्ड्स अभी निकालने वाली थी, तो एकदम से मुझे मैसेज देखा वर्ल्ड का, ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है, आपकी विशेज ज़रूर फुलफिल होंगी फ्यूचर में, क्योंकि वो करना चाहते हैं, वो भी निकलना चाहते हैं इस मेस से, पर देख रहे हैं कैसे कैसे किया जाए, राइट। फ्यूचर में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन। दो कार्ड्स मुझे फ्यूचर की एनर्जी के चाहिए हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड ओ एस ऑफ कप्स। देखिए ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ना ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि इनको ऐसा लगे कि आप बहुत डिमांडिंग हो गए हो, या फिर आप इनकी सुन नहीं रहे हो, क्योंकि आपने भी बहुत सफ़र किया है, इसलिए अब आप भी ना अपनी बातें सामने रखने वाले हो, ठीक है। हो सकता है उस चीज़ से ये पर्सन थोड़ा सा परेशान हो जाए, ठीक है, इनको ऐसा लगेगा कि शायद आप समझ नहीं रहे हो, बट अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप के लिए जो अच्छा होगा ये वो करेंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जॉयफुल एंड जॉयफुल एनर्जी है, ट्रैंक्विल एनर्जी है, जो ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके हिसाब से ही अब आगे मूव करेंगे, क्योंकि इनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो वो कह रही है ना, या जो वो कह रहा है वो सही है, वो गलत नहीं है, तो मुझे अब उसके हिसाब से चलना है, क्योंकि मैंने अपनी समझ लगा कर देख ली, कुछ नहीं निकला,
ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ आगे आने वाले टाइम पर। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों किसी बीची वेकेशन, कोई बीची वेकेशन करें या कोई बीची डेस्टिनेशन पे आप जाएं, जहाँ पर कि पानी हो, समुंदर हो, शांति हो, आप दोनों हो, आपकी कोई ऐसी कोई इमेजिनेशन है, आपकी कोई ऐसा आपका कोई गोल है कि मुझे बीच साइड डिनर या बीच साइड लंच करना है, या बीच साइड डेट करना है, या बीच साइड पिकनिक करना है, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर पूरी होते हुए दिख रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। डेफिनेटली यहाँ पे लव ट्रायंगल है, यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है। अभी ऐसा लग रहा है कि वो तीसरा पर्सन शायद जाएगा, इसीलिए ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, थोड़े वक्त के लिए होगा, बट कुछ समय आपको थोड़ा सा वेट कर कर और पेशेंसली मूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ और क्या है फ्यूचर में आप लोगों के लिए, और क्या है फ्यूचर में, क्या हो सकता है फ्यूचर में डिवाइन, और क्या स्पेसिफिक मैसेजेस आप देना चाहते हैं। ओके, इंस्टिंक्ट, ब्यूटिफुल 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 कंप्लीशन। देखिए ये इंस्टिंक्ट का मैसेज जो है वो हमको ये बता रहा है कि अगर आपकी इंट्यूशन आपको कोई बहुत 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 बार 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 कुछ बताती है, उसको इग्नोर मत कीजिए। इमोशनली आप ग्रो होते हुए दिख रहे हो, स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, आपकी विशेस पूरी होते हुए दिख रही हैं। अगर आप वुल्फ स्पिरिट के साथ में कनेक्ट कर सकते हो किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ करिएगा। एंड उनको ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि उनकी मैनिफेस्टेशंस जो भी लोग यूज़ करते हैं एज एन उनकी पावर्स की हेल्प लेते हैं टू फुलफिल यू नो देयर विशेस, तो आप उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा बाय यू नो एक कैंडल चाहे आप लाइट कर दें ग्रीन कलर की, यू नो एज यू नो एक एक जस्ट एज यू नो शोइंग द वुल स्पिरिट दैट यू रिस्पेक्ट देम जस्ट एज अ ग्रैटिट्यूड। सो वो भी ज़रूर कीजिएगा, एंड इससे आपकी एनर्जीज बहुत स्टेबल रहेंगी। ठीक है, कंप्लीशन का मैसेज है जो ये बता रहा है, रिश्ता तो आपका आगे बेहतर होगा ही। ठीक है, रिश्ता आपका आगे बेहतर होगा ही। सो कंप्लीशन होगा, कुछ चीज़ें जो आपके लिए नहीं हैं एज इन जो रिलेशनशिप में जो लोग इन्वॉल्व हो गए थे या जो भी प्रॉब्लम्स आ गई थी। ऑब्वियसली जब कुछ लोग अगर इस रिश्ते में थे तो उनको तो दुख होगा ना कि हमने जो सोचा वो नहीं हुआ। अगर हमने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, तो थोड़ा बहुत इश्यूज आएंगे ख़त्म होते होते चीज़ों को, बट अल्टीमेटली आपके लिए सक्सेस होगा, क्योंकि कंप्लीशन के बाद ही तो न्यू प्रोजेक्ट शुरू होता है ना। जब एक चीज कंप्लीट होती है तभी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो यहां पर देखो सन भी है एंड कंप्लीशन की एनर्जी भी है, सो न्यू बिगिनिंग्स मैं देख रही हूँ। कोई तो यहाँ से जाएगा और सारी ब्लॉकेजेस अपने साथ लेकर जाएगा। ठीक है, आपको हील करके जाएगा, आपके रिश्ते को हील करके जाएगा, रिश्ते को और स्ट्रांग करके जाएगा, ऐसा दिख रहा है फ्यूचर में। और क्या है ग्रोथ, देखिए रिश्ते की ग्रोथ तो होगी, ये चीज़ मुझे अबंडेंस के बारे में भी बता रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपने ना अपने रिवॉर्ड्स पे, अपने अवार्ड्स पे, अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करना है, ना कि जो हो गया है उसके बारे में बार बार बात करके कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया था उस रात को या उस दिन को, उस शाम को ऐसा हुआ था, तुमने मुझे ये कहा था। डोंट डू दैट, वट एवर हैपन हैपन्ड, वो पास्ट की एनर्जी है ना। अभी हमने उस चीज़ के बारे में बात करके अपने प्रेजेंट एंड अपने फ्यूचर को खराब नहीं करना है। सो ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। रिकवरी जो खोया है उससे कहीं ज़्यादा आपके पास आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों को अपने सपने में चाबी दिख सकती है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई मैसेज दिख सकता है जहाँ पर आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं, ये साइन दे रहे हैं कि आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा, जो तूने खोया है ना वो तुझे मिलेगा, तेरी कोई विश फुलफिल होगी। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो अभी आपके लिए कौन सी एफर्मेशन जो है करने से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, कौन सी एफर्मेशन इस टाइम पर आपके लिए अच्छी रहेगी जो आपको आपकी प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प कर सकती है या किसी भी तरीके से करंट सिचुएशन में आपको हेल्प कर सकती है, वो हम देखेंगे। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, जानना चाह रहे हैं, उनके लिए बताइए कौन सी एफर्मेशन बेस्ट रहेगी। ओके, दो निकल कर आई हैं, आई एम हील्ड, ओ आई एम हील्ड। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी हीलिंग जो है, आप हील हो चुके, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी। यहाँ पे कंप्लीशन का मैसेज भी हमको यही बता रहा है कि आपने बार बार ये बोलना है, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। ठीक है, सो इस एफर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो।
108 टाइम्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 3 times a day, 5 times a day, जितना भी आप बोल सको काउंटलेस आप इसको यूज़ कर सकते हो, लिख भी सकते हो. मनी फ्लोज टू मी ईजिली एंड अबांडेंटली, ये बहुत ही ब्यूटिफुल एफर्मेशन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. हो सकता है कि फाइनेंशियली अगर कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, तो वो ये एफर्मेशन उसको हील करने में आपको हेल्प कर सकती है. दिस इज इट गाइज, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको कनेक्ट हो पाया है इस रीडिंग से, आपको आपके गाइडेंस, आपके आंसर्स मिले हैं. अगर मिले हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा. इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जो भी लोग मेरे इंस्टा हैंडल के बारे में नहीं जानते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके फॉलो कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं. वहाँ पर भी मैं शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ, सो आपको गाइडेंस मिल सकती है. ऑल्सो जो भी लोग पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा. बाय बाय.